सुप्रभात छात्राश्च अध्यवर्गस्य विषय संधि प्रकरणम व्यंजन संधि। हम पिछले वीडियो में आपको स्वर संधि की जानकारी दे चुके हैं, इस वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि की जानकारी दे रहे हैं। कक्षा सप्तम और अष्टम के लिए है। कृष्णानंद झा, अहम कृष्णानंद झा अस्मि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले आता है सवाल, व्यंजन संधि कह अस्ति, कौन है? तब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण रहे, आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन करे, व्यंजन संधि कहलाता है। अब देखिए, विकार या परिवर्तन तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। विकार मतलब होता है गंदगी, या परिवर्तन मतलब स्थान परिवर्तन। यहाँ पर ये भी आप जोड़ सकते हैं कि नए वर्णों का निर्माण करे, व्यंजन वर्णों के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण रहे, आपस में मिलकर नए वर्णों का निर्माण करे, व्यंजन संधि कहलाता है। अब चलिए, व्यंजन संधि ऐसे बहुत प्रकार के हैं। सबसे पहले हम अश्चुत संधि के बारे में कह रहे हैं। इसका सूत्र है अश्चो अश्चुना अश्चु। फिर से सुन लीजिए, अश्चो अश्चुना अश्चु, आप इतना ही समझ लीजिए। अश्चुत संधि दंत स या तवर्ग के बाद तालव्य स या चवर्ग रहे। अरे दंत स या तवर्ग के बाद तालव्य स या चवर्ग रहे, तो दंत स को तालव्य स में और तवर्ग को चवर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में है सत जोर चित, तो त है और तवर्ग के बाद चवर्ग है, तो यह पहला वर्ण है, ये भी पहला वर्ण है, तो इस त को चवर्ग में परिवर्तित करना है, तो इसको चवर्ग में परिवर्तित कर दिया गया, तो आधा च बन गया और सचित इति रूप सिद्धम। मनस जोर शांति, ये दूसरा उदाहरण है। मनस यहाँ पर क्या है, दंत स, उसके बाद तालव्य स है, तो इस दंत स को क्या कर दिया गया, तालव्य स में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर टूटा हुआ स है, मतलब आधा स है, तो यहाँ पर आधा स लिख दिए। अब मनस शांति इति रूप सिद्धम। अब देखिए, सत जोर जन, सत जोर जन क्या हो जाएगा, त के जगह पर चवर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज है च छ ज, तो यह तीसरा वर्ण में है, तो ये भी तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। त थ द, तो द में तवर्ग में तो नहीं परिवर्तित करना है, चवर्ग में करना है, तो च छ ज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स आधा ज पूरा ज और न सज्जन इति रूप सिद्धम। मस रामस जोर सेति, रामस सेति। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दंत स उसके बाद तालव्य स है, तो इस दंत स को तालव्य स में परिवर्तित कर देंगे, तो रा हो गया, म हो गया, तालव्य स आधा, पूरा स, से और ते इति रूप सिद्धम। अब चलिए हम अष्टुत संधि की बारे में बात वार्तालाप करते हैं। दंत स या तवर्ग के बाद, दंत स या तवर्ग के बाद मूर्धन्य स या तवर्ग रहे, मतलब इसके बाद या दंत स या तवर्ग के बाद मूर्धन्य स या तवर्ग रहेगा, तो दंत स को मूर्धन्य स में परिवर्तित कर देंगे और तवर्ग को तवर्ग में परिवर्तित कर देंगे। जैसे सस जोर ठ है, ठ है ठ, तो सस में मूर्धन्य स है, उसके बाद ठ है, इस मूर्धन्य स को कुछ परिवर्तित करना नहीं है, इसको आधा का आधा लिखा गया और ठ मतलब जो जस का तस रह गया, इसमें कोई संधि का कमाल नहीं चला। अब हम चलते हैं उड़ जोर डयते, उद उद जोर द यते, उड़ जोर डयते। अब चलिए, यहां पर द है, तो इस तवर्ग के बाद तवर्ग है, तो इस तवर्ग को किस में परिवर्तित करना है, तवर्ग में परिवर्तित करना है, यहां पर भी ड हो जाएगा, तो यह उ आधा ड पूरा ड य ते उड़ डयते। अब चलेंगे इस जोड़ तह, इस जोड़ तह। अब देखिए, मूर्धन्य स के बाद तवर्ग है, इस तवर्ग को तवर्ग में परिवर्तित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई आधा स अट इष्ट इति रूप सिद्धम। अब चलेंगे जसत्व संधि, ये बहुत हल्का संधि है। क च ट त प के बाद, मतलब कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, इस
चारू वर्ण का प्रथम वर्ण के बाद कोई सामने में कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो तो इस कवर्ग को तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, ग में कर देंगे। क ख ग तीसरा वर्ण हुआ ना, अंगुले पर देख लीजिए, क ख ग। चवर्ग को तीसरा में परिवर्तित कर देंगे, टवर्ग को तीसरा में परिवर्तित कर देंगे, टवर्ग को तीसरा में परिवर्तित कर देंगे और पवर्ग को भी तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं दूसरे पेज में, हम आपको जसत्व संधि के बारे में बता रहे हैं। तो वाक जोड़दान हम क्या बोले थे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। तो पहला वर्ण है, उसके बाद स्वर या व्यंजन वर्ण है सामने में, तो इस क को किसमें, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। तो वा हो गया, यहाँ पर ग टूटा हुआ मतलब आधा लिखेंगे, यहाँ पर दानम वाग दानम इति रूप सिद्धम, यहाँ पर खट दोर दर्शनम ये भी पहला वर्ण है तो यहाँ पर हो जाएगा ठ ड में परिवर्तित हो जाएगा तो ड हो गया, खड दर्शनम इति रूप सिद्धम। और आगे की वीडियो में हम आगे की संधि के बारे में जानकारी देंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।